गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने योगासन में गोमुख आसन का अभ्यास किए थे। आज की क्लास में हम चक्रासन का अभ्यास करेंगे। स्टूडेंट, चक्रासन का अभ्यास करने से पहले हमें वार्म अप एक्सरसाइज करना है। आइए पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट, बोथ हैंड फॉरवर्ड रोटेशन। बैकवर्ड रोटेशन। फोर हैंड फॉरवर्ड, राइट हैंड फॉरवर्ड रोटेशन। बैक रोटेशन। हैंड चेंज, लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड रोटेशन। बैक रोटेशन। चेंज शोल्डर रोटेशन। शोल्डर बैक रोटेशन। अप एंड डाउन। अदर हैंड। हैंड चेंज। चेन अप एंड डाउन। साइड टू साइड। सर्कल। अदर साइड। Other side. Chain. Chain. Back hold. Change side to side. Relax student. अब आते हैं स्टूडेंट हम चक्रासन के अभ्यास में। आज का जो चक्रासन है हमारा उसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम जमीन पर लेट जाएंगे स्टूडेंट, पीठ के बल दोनों पैर के घुटने को बाइंड करेंगे स्टूडेंट, नी के पास से फोल्ड कर लेंगे और दोनों हाथ को अपने शोल्डर के पीछे जमीन पे इस तरह रख लेंगे। रखने के बाद सांस लेते हुए हम कमर को ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट और सर को अपने जो है अपने गर्दन को पीछे इस तरह से। अब स्टूडेंट हम कमर के बल से धीरे धीरे अपने दोनों हाथ के हथेलियों पे सपोर्ट कर ऊपर की तरफ अप करेंगे ऐसे। स्टूडेंट इस तरह हम सांस को बाहर करते हुए धीरे धीरे जमीन के बल वापस आ जाएंगे। स्टूडेंट ये हमारा चक्रासन था। चक्रासन का अभ्यास हम धीरे धीरे करेंगे स्टूडेंट। इसका लाभ हम आप सबको बता देते हैं। तो स्टूडेंट इसका लाभ यह है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है मजबूत और फ्लेक्सिबल हो जाता है, कमर पतली और चेस्ट हमारा चौड़ा हो जाता है। दूसरा लाभ यह है स्टूडेंट, नी और अपर बॉडी और हमारे शोल्डर के लिए ये सबसे उत्तम आसन है। तीसरा लाभ स्टूडेंट यह है, ये हमारे हड्डियों के अकड़न को और पसलियों के जोड़ों के अकड़न को दूर करता है। ओके स्टूडेंट, आप इसका हानि हम आपको बता देते हैं स्टूडेंट, जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक की बीमारी हो वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे।